ये देखिए भाई, ये देखिए, ये रोड पे खटिया डाले हुए लेटे हैं। ये देखिए, नार सिंह कह रहा है कि नशा रहता है। ये नार सिंह है, गांव का नार। ये देखिए, ये नहार बहुत बड़ा बनता है, गाली देता है सबको साला। ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना, ये मुंह छिपा रहा है। ये देखिए, रोड पे खटिया डाले हुए हैं, ये पेड़ों की छाया का आनंद ले रहे हैं, ये घर पे कभी नहीं लेटते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डेयरी वाले मालिक हैं, ये हंस रहे हैं, अपना बाजरा रखाए हुए हैं। हाँ, ये रोड पे चारपाई डालते हैं। हेलो भाई साहब, आज मैं अपने गांव का सरकारी समर दिखाने जा रहा हूँ आपको। हाँ, जो सरकारी समर जिसे बोलते हैं, ये जो हमारे पीछे आप सरकारी समर देख रहे हैं, ये 20 साल पुराना सरकारी समर है, जो 20 दिन नहीं चला हुआ है। ये समर कानपुर के नेता महेश त्रिवेदी जी ने लगवाया था, जो सही से 20 दिन नहीं चला है समर। दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। इसमें लाइट आती थी, इसका मीटर ईटर लाइट मैन यहाँ के उखाड़ के ले गए। जब से मैंने होश संवाला है, ये समर हमको कभी चलता हुआ नज़र नहीं आया है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं पीछे से इसका ये फुंतड़ू, नाली वाली कुंडी फुंडी सब टूटी हुई पड़ी है। जी हाँ, सब कुछ टूट चुका है, जर्जर हालत में हो चुका है। कुछ सामान इसका यहाँ पड़ा है, और ये नाली बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें लाइट भी नहीं आती है, और इसका मीटर ईटर उखाड़ के सब ले गए चोर। और 20 साल हो गए इसको लगे हुए समर को, और 20 दिन नहीं चला है। यहाँ के लोग, सभी लोग बताते हैं 20 दिन भी नहीं चला है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कानपुर, एक मरीज को लेके जा रहा हूँ कानपुर। तो मिलते हैं कानपुर में आप लोगों से, देखते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलते हैं कानपुर में, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, कानपुर पहुँच के बात करते हैं आपसे। ओके, इतनी भीड़ होती है, अपने अपने मरीज लेके सभी लोग लेटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अपने अपने सभी लोग बेचारे मरीज सबके अंदर एडमिट हैं, जो सभी लोग अपना अपना आराम कर रहे हैं, बेचारे पड़े हुए हैं अपने अपने मरीज को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जी हाँ,